हाउ टू डू अमेजोन एफिलिएट निश रिसर्च, कैसे जो है आप लोग एफिलिएट की निशेज़ को फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान एंड ईजी मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टूल मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा है। इससे पहले हम लोगों ने एडसेंस को कवर किया है, हम लोगों ने जो है ब्लॉगिंग पर कवर किया है और यूट्यूब की निशेज़ को डिस्कस किया, लेकिन आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ वो है अमेजोन एफिलिएट पर। अमेजोन एफिलिएट की निश के लिए जब आप चूज़ करते हैं निश, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो होता है निश रिसर्च का। तो निश रिसर्च के लिए आपको पे टूल्स की जरूरत पड़ सकते हैं, वो पे टूल आप कहीं से कर लेंगे, वो एस एम रश का हो सकता है, वो एच रफ हो जाता है। नॉर्मली आपने पे टूल की तरफ चले जाना है, पे टूल पर, पे टूल की तरफ जाने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर ये यूआरएल पेस्ट करना है, amzn.to का जो यूआरएल है आप लोग इसे ऐड करेंगे। इसे जैसे ही ऐड करेंगे इस वक्त, इस क्योंकि जितने भी इस वक्त अमेजोन एफिलिएट काम कर रहे हैं वो सारे इस यूआरएल को अपनी वेबसाइट पर ऐड कर रहे हैं। जब अमेजोन आपको शॉर्ट लिंक देता है, आपको जो वो शॉर्ट लिंक प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से जो है ये आप लोग निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली आप इस यूआरएल को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आने के बाद आप लोगों ने, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इसके आने के बाद आप लोगों ने इसके बैक लिंक्स में चले जाना है। बैक लिंक्स पे जाने के बाद आप लोगों ने इसकी जो है रेफरिंग डोमेन्स देख लेनी, उन रेफरिंग डोमेन्स पर आप लोग फिल्टर लगाएंगे, आपको लाखों की तादाद में यार निश मिल जाएंगी। ये देखें इसके रेफरिंग डोमेन्स में आ जाएँ, ये देखें रेफरिंग डोमेन देख रहे हैं, 7 लाख हैं, पता नहीं कितनी है। अच्छा, अब ये सारी आपके लिए निशेज हैं। ये देखिए मैं आपको वन बाय वन वेबसाइट ओपन करके भी दिखाता हूँ, तो ये टोटली आपके लिए जो है निशेज आ रही हैं। आ जाओ, ये देखें अब ये जो है ये अलग निश है, तो ये अलग निश है, ये सारी आपके लिए समझे निशेज हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज़ की हो सकती हैं, ये देखें ये अब हेल्थ एंड ब्यूटी, ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट है, ये अमेज़ॉन की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डेल लिस्ट है, और उसके बाद जो है ये सारी वही आ रही हैं तकरीबन। अच्छा, अब ये देखें ये एक जो है एक ब्लॉग है, ये स्टडी के रिलेटेड है, वो निश है। उसके बाद जो है ये एक टूल्स एंड वो हथकड़ियों की ये निश आ गई है। ये देखें ये अब आपके लिए देखें एक एंटीक एंड यूनिक आइडियाज़ आपके लिए ला रहा है, आप इस पर काम कर सकते हैं, स्किन की निशेज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये सारी जितनी भी डोमेन्स आ रही हैं ये देखें, अब हमें, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कोई ऐसी निश मिले जिस पर कोई कंपटीशन ना हो। जाहिर बात है लोग उस निश पर काम कर रहे होंगे इस वक्त जिस पर कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम लोगों ने उन लोगों की डोमेन्स को फाइंड करना है, हम लोगों ने उन लोगों की डोमेन्स को फाइंड करना है जो न्यूली क्रिएटेड हैं, जिन्होंने नए नए स्टार्ट किया। अब देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जैसे अब न्यूबीज आ रहे हैं उनको इतनी नहीं समझ के यार कैसे निश रिसर्च करना है, कैसे एक कंपेटिटर को एनालाइज करना है उन्होंने, तो नॉर्मली फिर लोग यही तरीका आप लोग कर सकते हैं, इजीली टाइम सेविंग है आपके लिए, एंड आप कमाल की निश, मैं कहता हूँ, निकाल सकते हैं यहाँ से। अब ये देखें ये हमें जो है कोई FM की निश मिल गई है, ये देखें जिसमें आप FM रेडियो का ब्लॉग है वो सेल कर सकते हैं, और ये जो है मैकबुक प्रो, ये कोई लैपटॉप की निश हमें मिल गई है, और उसके बाद जो है ये भी FM की है, और ये कोई चाइनीज साइट है। अच्छा, ये एक फूड का ब्लॉग हमें मिल गया, और उसके बाद जो है ये हमें जो है डाइट पर है आई थिंक, ठीक है। अब हमने न्यू ब्लॉग फाइंड करने हैं, तो या मैं वो लिखूंगा जो कि जिन पर कम जो है कम ट्रैफिक हो, या जिन पर जो है कम अथॉरिटी हो, तो हमने वो ब्लॉग फाइंड करने हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर जो है आएँ, यहाँ से फ़िल्टर लगाएं, कैटेगरी भी आप लोग मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ये आपको निश आइडियाज़ में, जैसे मेरा इंटरेस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO में है, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स वो गेम पर आ जाएं। अब जैसे मेरा गेम पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुझे गेम्स की निश दे देगा। ये देखें ये सारे जो है गेम्स के ब्लॉग आ रहे हैं, ये देखें। अब कोई जैसे फैशन एंड ब्यूटी में इंटरेस्टेड होगा, या जिसको जो है फैशन एंड ब्यूटी में माइक्रो निश फाइंड करनी होगी, ये माइक्रो निशेज आप निकालेंगे, ठीक है। ये अभी आपकी ब्रॉड निशेज आपको शो कर रहे हैं। अब जैसे इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद जो है कैटेगरी में आते हैं, तो हम जो है अब ये हमें कोई गेम का ब्लॉग मिल गया, ये देखें ये गेम है, ये अमेज़ॉन एफिलिएट का ब्लॉग है, ठीक है, APK का ब्लॉग था, ये गेमिंग की वेबसाइट आ गई है। ये देखें ये बंदा, ये देखें ये अब बैनर अमेज़ॉन का लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ॉन पर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है, ये देखें amazon.it इटली की डोमेन है, इटली इटाली
अच्छा जी, ये भी अमेज़ॉन का ब्लॉग आ गया, लेकिन ये दूसरे लैंग्वेज में है, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग जैसे फैशन एंड ब्यूटी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आइए देखते हैं फैशन एंड ब्यूटी का क्या हाल है। फैशन एंड ब्यूटी नहीं आ रहा, तो यहाँ से देखते हैं। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है तो हमें उसके नीचे देगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें जो है मल्टीपल निशेस का ऑप्शन दे रहा है, तो हम थोड़ा और ड्रॉप डाउन आते हैं और जो है यहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे कि हमें यार डॉट कॉम की डोमेन दे, तो और कोई ना दे, रहने दे। अच्छा है कोई IHREF में है, IHREF का टूल्स काफ़ी कमाल का है, जो कि हमें दिखाएगा कि यार आपकी डॉट कॉम की जो है ये डॉट कॉम। अच्छा, न्यू रेफरिंग डोमेन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को ये न्यू डोमेन्स देना शुरू कर देगा कि आप लोग जो है ईजिली उन डोमेन्स पर काम कर सकेंगे जो न्यूली क्रिएटेड होंगे, जो कि कुछ टाइम पहले ही क्रिएट हुई होंगी, कुछ मंथ्स पहले क्रिएट हुई होगी, और आप लोग वहाँ से एनालाइज कर लेंगे कि यार ये डोमेन इतने जल्दी और इतने मतलब कि इतने पहले क्रिएट हुई है, बहुत ही करीब, तो मैं भी इस निश को चूज़ करके ये मेरा कंपेरेटर भी बन सकता है। अभी देखिए इनके थॉट स्कोर तो देखें आप लोग, 11, 10, 11, 0 आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत टाइम इस पर भी लगेगा और ये पेड टूल है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। IHREF इस वक्त मेरे पास भी एक्टिव नहीं पड़ा, वरना मैं आपको वो देखो वो बड़ा कमाल का, वहाँ से आप डॉट कॉम डॉट नेट मल्टीपल जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर की है, ये वहाँ से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप वगैरह की, लोग जो न्यूली लैपटॉप्स पर क्रिएटेड हैं वो कैसे हैं। ये देखिए, आइए यहाँ से कैटेगरी को चूज़ करते हैं लैपटॉप की, और देखते हैं कि क्योंकि बहुत लोग लैपटॉप माउस टेक्नोलॉजी इस चीज़ पर ज़्यादा काम करते हैं, तो आइए देखते हैं वो कैसे वर्क करती है। अच्छा, एक मिनट, ये आएगी। अभी कंप्यूटर आ रहा था, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि कैसे जो है लोग कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट बनाकर जितना जल्द कितना जल्द जो है रैंक कर रहे हैं। ये देखिए मल्टीपल नीचे था, एक तो पहले यहाँ से आइडिया मिल जाएगा इस फिल्टर से कि आप किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है, यहाँ से आइडिया ले पाएंगे। दूसरा आइडिया आपको मिल जाएगा वही है, ये देखें, ये यहाँ से आप लोगों को अथॉरिटी स्कोर लगा दें, फिल्टर पर जाएँ, एडवांस फिल्टर या अथॉरिटी स्कोर जो मैं कहता हूँ मुझे 11 से 20 वाला चाहिए या 0 से 10 वाला चाहिए, जो कि फ्रेश डोमेन दिखा देगा। और यहाँ से मैं बहुत सी डोमेन्स को ओपन करूँगा, देखूँगा कि वो डोमेन कैसी है, कितने जल्द उसने आर्टिकल्स लिखे हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, कैसे वो रैंक कर रहा है, कितने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, कितने वर्ड्स का कंटेंट है, कितनी ओल्ड डोमेन है, बहुत सी चीज़ें जो है मैं चेक करके रियलाइज़ करूँगा कि यार ये निश वाकई मेरे लिए काम की है, तो मैं जो है उस निश को चूज़ कर लूँगा। ये देखें, अब ये जो है ये ब्लॉग है और ये भी ब्लॉग है, इनमें देखें एफिलिएट लिंक लगा होगा कहीं ना कहीं, तभी अमेज़ॉन हमें शो कर रहा है। ये देखें, ये अब एक इलेक्ट्रिक बाज़ार है और ये स्मार्ट टेक है, ये टेक एक्सपर्ट जोन है, ये बाय मार्क है, और ये आर्टिकल्स एंड ब्लॉग साइट। ये देखें, अब ये टेक ब्लॉग है, ये देखें टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, यहाँ पे आपको इसका आइडिया मिल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अमेज़ॉन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। ये देखें, ये अमेज़ॉन पर रीडायरेक्ट कर रहा है, सेम